जब गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल सोहेल सैफी ब्लॉग्स। इस वाले ब्लॉग में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ विवेक विहार के मेले को जो कि आज से ही स्टार्ट हुआ है, एंड मैं यहाँ के बारे में फुल टूर देने वाला हूँ। यहाँ का टिकट का प्राइस क्या है, यहाँ की टाइमिंग क्या है, लोकेशन क्या है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या है और ये मेला कब तक चलने वाला है। उसी के साथ साथ अंदर की साइड में आपको क्या क्या मिलने वाला है, झूले किस तरीके से है, झूले का प्राइस क्या है, शॉपिंग के लिए क्या क्या है और अंदर की साइड में फूड कोर्ट किस तरीके से है, रामलीला होने वाली है उसके प्रोग्राम्स किस तरीके से है, रामलीला कब तक होने वाली है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में देने वाला हूँ। ये वाला ब्लॉग काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए इस ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में घूमने की बेस्ट प्लेस के बारे में, बेस्ट लोकेशन के बारे में, मेले वगैरह के बारे में मैं चैनल पर बताते रहता हूँ। चलिए इस ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। बात कर लेते हैं सबसे पहले मेले की लोकेशन के बारे में। तो ये जो मेला लगा हुआ है वो लगा हुआ है डीडीए ग्राउंड जो कि विवेक विहार थाने के सामने ही है, जो कि यहाँ का जो गूगल मैप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अपने कन्वेंस से आ रहे हो तो इजीली यहाँ पर मैप लगाकर पहुँच सकते हो, और अगर आप यहाँ पे बाय मेट्रो आना चाहते हो तो यहाँ का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वो है झीलमिल का, जो कि झीलमिल से आपको 10 रुपये में ऑटो मिल जाते हैं जो कि आपको यहाँ पे छोड़ देंगे। आप बता देना कि आपको विवेक विहार थाने के सामने जाना है। और ये मेला 15 अक्टूबर 2022 तक चलने वाला है, जिसकी टाइमिंग देने वाली है इवनिंग के 5 बजे से रात के 11 बजे तक। और यहाँ का एंट्री कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री में एंट्री कर सकते हो, जो कि देखो यहाँ से एंट्री है। चलिए एंट्री करते हैं अब। और रामलीला की जो टाइमिंग देने वाली है वो रहने वाली है इवनिंग के 7:30 बजे से रात के 12 बजे तक, जो कि रामलीला चलने वाली है 5 अक्टूबर तक। और बात करें पार्किंग के बारे में तो पार्किंग यहाँ पे अभी फिलहाल में अवेलेबल नहीं है, वीवीआईपी एंट्री में अवेलेबल है पार्किंग, जो कि देख रहे हो मतलब वीवीआईपी एंट्री में यहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है। अगर आप मतलब पब्लिक में करना चाहते हो तो यहाँ पे बाहर की साइड में देखो इस तरीके से सर्विस रोड है, जो कि यहाँ पर आप पार्किंग कर सकते हो ऑन रिस्क पर। सो जस्ट एंट्रेंस के बाद हमें फर्स्ट लुक इस तरीके से देखने को मिलने वाला है, जो कि मतलब सामने से हम देख रहे हो यहाँ पर रामलीला होने वाली है, एंड रामलीला के पास में यहाँ से निकलते हैं आगे। और इसी के पास में ना आपको एक मतलब स्पेशल एक तरह से रास्ता बना रखा है, जो कि इस साइड में देखो इस साइड में झूले वगैरह का जो स्पेशल गेट है वो बना रखा है, झूले शॉपिंग स्टॉल फूड कोर्ट उस तरीके से है वहाँ पर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले, उसके बाद हम रामलीला के बारे में बात करेंगे। तो ये सामने की साइड में ये यहाँ का मेन एंट्रेंस है झूले शॉपिंग स्टॉल और फूड कोर्ट में जाने के लिए। सो यहाँ से एंट्री है और यहाँ से एग्जिट है, सो यहाँ से एंट्री लेते हैं और चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। सो सबसे पहले स्टार्टिंग हम झूले से करते हैं, जो कि यहाँ पे यहाँ का जो सबसे फर्स्ट झूला है, जो कि इस तरीके से देखो बच्चों के लिए मिक्की माउस वाला झूला है, जो कि 10 मिनट तक बच्चे इसमें एंजॉय कर सकते हैं, 60 रुपये का टिकट है इसका। और इस तरीके से देखो मतलब बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं इसमें, छोटे छोटे बच्चे। और नेक्स्ट झूला इस तरीके से मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे देख रहे हो बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन वाला झूला है, जो कि पूछते हैं कितने रुपए टिकट है, कितने का टिकट है इसका, 60 रुपये का। कितने मिनट के लिए होता है वैसे, कितने मिनट के लिए, मतलब बच्चे कितने मिनट तक इंजॉय कर सकते हैं, 10 मिनट, तो 60 रुपये का इसका टिकट है और 10 मिनट तक बच्चे इसमें काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि मतलब बच्चों का फेवरेट ही होता है एक तरह से। और देखो बच्चों के लिए इस तरीके से यहाँ पे रिमोट कंट्रोल जो कि कार मिलने वाली है, जो कि मतलब राउंड घुमाते हैं, तो कितने में कितना राउंड है भाई, 100 रुपये में 2 राउंड, मतलब आना जाना, दो बार जाना। अच्छा दो बार आना 100 रुपये में, काफ़ी सस्ते में है, मतलब देखो वहाँ से सामने से 2 बार आएंगे और 2 बार जाएंगे इस तरीके से है, काफ़ी सस्ते में है, तो बच्चे आ रहे हैं तो इसमें एंजॉय कर सकते हैं रिमोट कंट्रोल कार में। और नेक्स्ट झूला मैं देखने को मिलने वाला है, जो कि इस तरीके से देखो ये सर्कल स्विंग जो कि राउंड राउंड घूमता है, अभी फिलहाल खाली है क्योंकि फर्स्ट डे है, आओ और विजिट करो आप और एंजॉय करो यहाँ पर आके। तो प्राइस बता दूँ मैं कितने रुपये में, भाई कितने का टिकट है इसका, 100 रुपये का, तो 100 रुपये का इसका टिकट है, तो 100 रुपये में टिकट लेकर आप इसमें एंजॉय कर सकते हो, मजे ले सकते हो इस वाले झूले में। और यहाँ का जो नेक्स्ट झूला में देखने को मिल रहा है, जो कि इस तरीके से देखो ये ड्रैगन ट्रेन वाला झूला है, और पूछते हैं इसका कितने का प्राइस है, कितने का टिकट है अंकल जी इसका, कितने का टिकट है, 100 रुपये का, अच्छा 100 रुपये का टिकट है, तो 100 रुपये का टिकट लेकर आप इसमें ड्रैगन ट्रेन में एंजॉय कर सकते हो, जो कि एक तरह से फैमिली वाला झूला होता है। और यहाँ पे सामने साइड में यहाँ का जो नेक्स्ट झूला है, जो कि इस तरीके से देखो ये नेक्स्ट झूला है, जो कि ये है कार ड्राइविंग वाला झूला, जो कि प्राइस पूछ रहे हैं भाई कितने का टिकट है इसका, 100 रुपये का, अच्छा 100 रुपये का टिकट है, तो अगर मतलब अगर आप कार ड्राइविंग करना चाहते हो तो कार ड्राइविंग यहाँ पर आके कर सकते हो, जो कि इस तरीके से देखो। और यहाँ पे नेक्स्ट जो हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि इस तरीके से देखो ये है भूत बंगला, अगर आप भूतों का एक्सपीरियंस देना चाहते हो, मतलब फील करना चाहते हो कि हाँ किस तरीके से लगता है हमें इसमें अंदर जाके, तो अंदर क्या होता है, अंदर अंधेरा होता है और साउंड चल रहा होता है कभी तरह में, जो कि सामने देख ही रहे हो, इसी के साथ साथ कुछ डराने के लिए अंदर बंदे भी खड़े होते हैं, जो कि पूछते हैं कितने रुपये टिकट है, टिकट कितने का भाई इसका, टिकट 80 रुपये का, अच्छा 80 का टिकट है, तो 80 का टिकट लेकर आप भूतों का एक्सपीरियंस ले सकते हो अंदर में जाकर।
नेक्स्ट यहाँ पे सामने साइड में जो झूला मिलने वाला है, जो कि इस तरीके से देखो ये है जायंट व्हील, और इसका जो टिकट है वो है ओनली 100 रुपए का। तो 100 रुपए का टिकट लेकर आप इस वाले जायंट व्हील में मजे ले सकते हो। राउंड राउंड घूमता है इस तरीके से, काफी मजा आता है। अभी तो फिलहाल स्लो स्पीड में चला रहे हैं, लेकिन जब इसमें क्राउड होता है, मतलब भीड़ होती है, अच्छा रश होता है, तो इसमें काफी स्पीड चलाया जाता है क्योंकि मजा बहुत आता है इसमें। और नेक्स्ट झूला जो देखने को मिलने वाला है, जो कि इस तरीके से देखो ये है नाव वाला, जो कि इसको अप्पू कोलम्बस बोलते हैं, और इसका जो टिकट है वो ओनली 100 रुपए का है। तो देखो इस तरीके से काफी ऊपर जाता है, अभी फिलहाल में प्रेशर बना रहे हैं, और उसके बाद देखो काफी ऊपर जाएगा, और ये जाने वाला है, और ये गया अभी फिलहाल, इससे भी ऊपर जाएगा देखो अभी ये। ओके ओके, तो इस तरीके से ये अप्पू कोलम्बस वाला झूला है। यहाँ का जो अगला झूला देखने को मिलने वाला है, जो कि इस तरीके से देखो ये ब्रेक डांस वाला झूला है, इसका भी टिकट है 100 रुपए का। तो 100 रुपए में जाकर आप ब्रेक डांस में एंजॉय कर सकते हो, मजे ले सकते हो, झूले का एक्सपीरियंस दे सकते हो ब्रेक डांस का। और यहाँ का जो नेक्स्ट झूला देखने को मिलने वाला है, जो कि ये देखो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला मिकी माउस है, जो कि इसका जो टिकट है वो 80 रुपए का है, और 80 रुपए में इसमें भी काफी बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, जो कि इस तरीके से देखो। चलिए अब मैं आपको यहाँ के बच्चों के झूले दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से होती है, जो कि ये जीप वाला झूला है, जो कि इस तरीके से राउंड राउंड घूमता है। कितने का टिकट है इसका, कितने का टिकट है बच्चों के लिए? 60 रुपए, 60 रुपए का टिकट है इसका, और 60 रुपए में टिकट लेके बच्चों के लिए काफी बढ़िया है। और नेक्स्ट झूला इस तरीके से देखो बच्चों के लिए, जो कि ये हेलीकॉप्टर वाला झूला है। सो इसका टिकट पूछते हैं कितने रुपए का, कितने का टिकट है इसका? 60 रुपए का। अच्छा, तो इसका भी टिकट 60 रुपए का ही है बच्चों के लिए। और यहाँ पे नेक्स्ट इस तरीके से देखो ये ड्रैगन ट्रेन वाला झूला है, जो कि इसका जो टिकट है वो 80 रुपए का है, और 80 रुपए में काफी बेस्ट रहता है, बच्चे कपल्स और फैमिली, मतलब सभी के लिए सेफ रहता है इस तरीके से झूला ही। और नेक्स्ट यहाँ पे सामने साइड में ये बच्चों के लिए इस तरीके से देखो कार वाला झूला है, जो कि काफी बेस्ट है। कितने का टिकट है इसका, टिकट कितने का? हाँ, 60 रुपए, 60 रुपए का। तो 60 रुपए का टिकट है इसका, और बच्चे काफी इंजॉय कर सकते हैं इसमें। और नेक्स्ट यहाँ पे सामने साइड में इस तरीके से देखो ये हॉर्स वाला झूला है, इसका भी टिकट 60 रुपए का ही है। और अगला जो झूला में मिलने वाला है, जो कि इस तरीके से देखो ये फिश वाला झूला है, जो कि इसका भी टिकट 60 रुपए का है। इसी के पास में देखो इस तरीके से ये है छोटा एलिफेंट बच्चों के लिए, जो कि इसका भी टिकट 60 रुपए का है। और यहाँ पे सामने ही साइड में अब मैं आपको फन गेम दिखाता हूँ, जो कि इस तरीके से देखो सबसे पहले इस तरीके से ये है बलून वाला, मतलब गन शूटिंग गेम, जो कि कितने शॉट मिलने वाले हैं भाई, कितने में कितने शॉट है? 50 का 6, तो 50 के 6 शॉट मिलने वाले हैं 50 रुपए के। और इस तरीके से देखो गन है, तो इसमें मजे ले सकते हो, निशान आजमा सकते हो, एक तरह से फनी गेम है। और जो हमें नेक्स्ट गेम यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जो कि इस तरीके से देखो ये है गन शूटिंग गेम, मतलब गन शूटिंग वाला गेम है इस तरीके से, और ये गन है और आपको शूट करना है, तो जिसमें जिस भी आइटम पे आप शूट कर दोगे और वो गिर जाता है तो वो आइटम आपको जाएगा। भाई कितने का है, कितने में कितने शॉट है? 50 के 6, 50 के 6 शॉट है। और मतलब खाली गया तो कुछ नहीं मिलने वाला ना? नहीं, आपको माचिस में मारना है, निशाना लगाना है। अच्छा, माचिस के ऊपर मारना है, मतलब कैन के ऊपर लगा तो कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, जो आपकी माचिस गिर गई वो आपका जिस पे माचिस रखी है ना, हाँ हाँ हाँ, वो इनाम मिलेगा। अच्छा अच्छा, मतलब ये टारगेट है आपका माचिस, माचिस को गिराना है, उसके बाद अगर गिर जाता है तो आइटम के ऊपर, मतलब नीचे आइटम रखा हुआ है वो आइटम आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे सामने में इस तरीके से देखो ये है लकी ड्रॉ वाला, बास्केटबॉल होती है, कितने में? ये 50 रुपए का गेम है, 200 रुपए कैश इनाम है। अच्छा 50 में है, और ये मतलब 6 ग्लास गिराने, 5 ग्लास है, 5 है। अच्छा, तो एक कम कर दिया है, 5 ग्लास गिराने और 250 आप जीत जाओगे अगर आधे सारे है ना, इस तरीके से देखो। और यहाँ पे सामने साइड में नेक्स्ट गेम है, जो कि इस तरीके से रिंग वाला है, 50 के 6 मिलने वाले हैं। और देखो ये सारे आइटम है, 50 रुपए में 6 मिलने वाले हैं, आइटम के अंदर डाल, तो इसके अंदर डाल देना है ना। और यहाँ का जो नेक्स्ट गेम है, जो कि इस तरीके से देखो ये है लकी ड्रॉ वाला गेम, और इसमें आपको क्या होता है, मतलब 6 बॉल मिलने वाली, कितने में 6 बॉल है, 50 में 6 बॉल है, मतलब 50 में 6 बॉल मिलने वाली है। उसके बाद इसमें देखो यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं, और यहाँ पर इसके हिसाब से लकी ड्रॉ होता है, अगर आप इसमें से कोई सा भी नंबर निकाल लेते हो तो आइटम नंबर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आइटम मिलता है, मतलब प्राइस मिलता है। तो इस तरीके से 50 में है पूरा, 50 में 6 बॉल मिलने वाली, तो यहाँ से यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो इसमें। और नेक्स्ट यहाँ पे सामने ही इस तरीके से देखो बच्चों के लिए बोटिंग वाला झूला है, जो कि झूला नहीं है, मतलब वैसे बोटिंग का एरिया है ये, तो इसमें मतलब बच्चे बोटिंग कर सकते हैं। कितने रुपये में भाई? 80 रुपये में, तो 80 रुपये का इसका टिकट है, और 80 रुपये में बच्चे इसमें एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे झूले, तो जो कि मैंने आपको दिखा दिए, झूले थोड़े बहुत कम है लेकिन शॉपिंग के लिए और घूमने के लिए काफी कुछ है। तो अब मैं आपको यहाँ का देखो शॉपिंग का स्टॉल दिखाता हूँ, जो कि इस तरीके से यहाँ पे शॉपिंग के सारे स्टॉल लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको अब शॉपिंग में दिखाता हूँ क्या क्या मिलने वाला है।
सो शॉपिंग में स्टार्टिंग सबसे पहले यहाँ से करते हैं, जो कि यहाँ से आप देखो कप वगैरह और मतलब घर में जो यूज़ होने वाली चीज़ होती हैं वो सब यहाँ से परचेज कर सकते हो, जो कि जिससे कि देखो एक कटोरी वगैरह हैं एंड इस तरीके से देखो प्लेट्स वगैरह हैं। सो ये सब आप यहाँ से परचेज कर सकते हो, जो कि देखो मतलब काफ़ी कुछ है, प्लेट्स वगैरह हैं। सो अब यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, जो कि मतलब इस साइड में आपको मिलने वाले हैं बच्चों के लिए टॉयज़, जो कि इस साइड से आप टॉयज़ परचेज कर सकते हो, जो कि देखो काफ़ी कुछ है। एंड इसी के पास में नेक्स्ट स्टॉल पे आते हैं, तो यहाँ से आप चश्मे परचेज कर सकते हो, मतलब जो कि देखो इस तरीके से हैं। भाई ये वाले कितने में? 250। अच्छा 250 में। और ये वाले? अच्छा ये 100 में है। एंड ये वाले इस साइड में, ये भी 100 है क्या? अच्छा ये मतलब ये वाली पूरी लाइन 100 रुपये में है। इस तरीके से देखो यहाँ पे वॉच हैं, जो कि काफ़ी प्यारी प्यारी लग रही हैं। ये देखो इस तरीके से बच्चों वाली हैं, वाओ। एंड इस तरीके से देखो ये डिजिटल वॉच है इस तरीके से। अच्छा ये वाली कितने में? ये वाली 100 रुपीज़। में कोई सी भी ले लो इसमें से। अच्छा तो ये ओनली 100 रुपये में है, कोई सी भी ले लो यहाँ से। ये देखो इस तरीके से देखो ये गर्ल्स में है, यानी मेंस में है। नेक्स्ट यहाँ पे सामने की साइड में इस साइड से आप अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स परचेज कर सकते हो, जो कि देखो काफ़ी कुछ मिलने वाला है, ड्राई फ्रूट्स सारे तरीके के हैं यहाँ पर। और यहाँ पे सामने की साइड में इस वाले स्टॉल से आप क्लॉथ्स परचेज कर सकते हो, मतलब देख रहे हो मतलब ये लेडीज़ के यहाँ पे टॉप हैं और इस तरीके से देखो काफ़ी डिज़ाइंस में हैं और काफ़ी सारे कलर्स हैं, ये देखो इस तरीके से। और ऊपर की साइड में ये ईयरिंग्स हैं, नीचे देखो ये क्लेचर हैं, बैंगल्स वगैरह हैं, काफ़ी कुछ है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे सामने की साइड में इस वाले स्टॉल से आप बैम्बू के एक तरह से प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो, जो कि सारे हैंडमेड बनाए गए हैं, जो कि देखो इस तरीके से देखो ये लालटेन टाइप से बना रखा है, और ये देखो इस तरीके से काफ़ी कुछ है इधर भी, इस तरीके से देखो पर्स भी बनाए गए हैं शॉपिंग के लिए। यहाँ से इयर रिंग्स भी ले सकते हो, जो कि देखो मतलब काफ़ी प्यारी प्यारी हैं। और इस तरीके से इस वाले स्टॉल पे बच्चों के लिए देखो ये सारे टॉयज मिलने वाले हैं। कितने कितने में भाई? ये 150 का एक है, 250 का दो है। अच्छा 150 का है और ये 250 के दो हैं। और इस वाले स्टॉल पे देखो इस तरीके से आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है, जो कि घर में यूज होने वाले सारे प्रोडक्ट्स हैं। और देखो ये सब है, ब्रश, रेजर, ये भी रेजर आइसक्रीम वाली। काफ़ी कुछ है इस साइड में इस वाले स्टॉल पे। और इसी के पास में यहाँ पर आते हैं तो बबल 20 रुपीज़ में है। ये नीचे वाली सेल कितने में है भाई? 10 रुपये में। अच्छा जो देखो मतलब इस वाले स्टॉल से आप ये सब 10 रुपये में कोई सा भी एक प्रोडक्ट ले सकते हो। एंड इधर आते हैं तो इस तरीके से देखो ये हेयर बैंड है। एंड इसी के पास में एक क्लेचर हैं, क्लेचर देखो काफ़ी तरीके के हैं, ये देखो। सो इस सामने इस साइड में देखो ये सारे हेयर बैंड हैं, जो कि ओनली 10 रुपये में मिल रहा है, कोई से भी ले लो। और यहाँ से इस वाले स्टॉल से आप पर्स परचेज कर सकते हो, और इस वाले स्टॉल से आप आर्टिफिशियल ज्वेलरीज परचेज कर सकते हो, जो कि मतलब देखो काफ़ी कुछ है इसमें इधर भी, ये देखो ये सामने इयर रिंग्स हैं। और इस वाले स्टॉल से आप पान का सामान प्लस नमकीन सब कुछ परचेज कर सकते हो, मतलब देखो इस तरीके से देखो ये नमकीन वगैरह हैं। एंड यहाँ पे देखो ये पान का सामान है, जो कि माउथ फ्रेशनर होते हैं, ये देखो इस तरीके से देखो ये सारे माउथ फ्रेशनर्स हैं। और इस वाले स्टॉल पे लेडीज़ टॉप मिलने वाला है, लेडीज़ और गर्ल्स टॉप। ये टॉप की सेल कितने में भाई? कितने में है टॉप की सेल? ये वाली लाइन, हाँ हाँ आगे वाला, 300 रुपये में है। तो इस तरीके से 300 रुपये में टॉप है, कोई से भी ले लो यहाँ से। और यहाँ पे सामने की साइड में इस वाले स्टॉल से भी आप आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, जो कि देखो इयर रिंग्स हैं, एंड इस तरीके से देखो ये गले के सेट हैं, इस तरीके से देखो, और ये देखो इनको शायद बैंगल्स ऐसे कुछ बोलते हैं, ब्रेसलेट भी बोलते हैं इनको, तो ये भी परचेज कर सकते हो यहाँ से। सो अब मैं आपको यहाँ का फूड कोर्ट दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से देखो बॉम्बे की भेलपूरी मिलने वाली है, जो कि सेब पूरी, चना पूरी, जोर गरम, ये सब मिला के एक भेलपूरी बनाएंगे। इसी के पास में आते हैं तो यहाँ पर बर्फ़ का गोला खा सकते हो इस साइड से। एंड इसी के पास में यहाँ पर आगे चलते हैं तो यहाँ पर हैं कॉटन कैंडी, जो कि कॉटन कैंडी कितने में भाई? कितने में कॉटन कैंडी? 30 रुपये में। अच्छा 30 रुपये में कॉटन कैंडी ले सकते हो यहाँ से। एंड इस तरीके से देखो यहाँ पे पॉपकॉर्न मिलने वाले हैं, पॉपकॉर्न भी खा सकते हो। एंड इसी के पास में यहाँ पे छल्ली मिलने वाली है,
जो कि मतलब ये कैसे, ये कौन सी वाली है, चली अमेरिकन है। अच्छा, और यहाँ पे सामने साइड में इस वाले स्टॉल से आपको मिलने वाला है पिज़्ज़ा, जो कि इस साइड से आप पिज़्ज़ा खा सकते हो, और ये मेन्यू है जो कि इस तरीके से आप बनवा सकते हो। तो यहाँ से पिज़्ज़ा मिलने वाला आपको, और यहाँ पे सामने ही साइड में आप यहाँ से जूस पी सकते हो, जो कि देखो मतलब मौसम में जूस 20 रुपये में है। इसके पास यहाँ पे पाइनएप्पल जूस भी 20 रुपये में है, तो 20 रुपये में जूस मिल रहा है, काफ़ी सस्ते में है। आप आइसक्रीम खा सकते हो इस तरीके से देखो, और यहाँ पे सामने ही साइड में आप नाइट्रोजन बिस्किट खा सकते हो। मतलब इसमें क्या होता है, एक तरह से सामने साइड में वहाँ पे वेफर्स हैं, जो कि उसमें नाइट्रोजन की एक तरह से गैस होती है, स्मोक होता है, वो बना रहता है, उसके बाद ठंडा ठंडा आपको फील होता है। देखो मतलब ठंडा ठंडा फील होता है, उस तरीके से उसको खा के एक तरह से नए तरीके का एक्सपीरियंस ले सकते हो 60 रुपये में। ये यहाँ का सामने साइड में देखो, ये यहाँ का पूरा फूड कोर्ट है, मतलब फूड कोर्ट में आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है, जो कि देखो यहाँ पे चाउमीन, चिली पटेटो और मंचूरियन वगैरह है। एंड साइड में देखो मोमोज मिलने वाले हैं इस वाले स्टॉल पे। एंड इस साइड में आप पाव भाजी और टिक्की खा सकते हो। एंड इसी के पास में आप देखो अनमोल चुस्की भंडार, इस साइड में चुस्की मिलने वाली है। और यहाँ पे सामने ही साइड में ये है फायर पान की शॉप, इस मतलब पान की शॉप है, पान आपको काफ़ी तरीके के मिलने वाले हैं, स्ट्रॉबेरी पान, चॉकलेट पान, पाइनएप्पल पान, फायर पान, मीठा पान, जो कि ये देखो ये मीठा पान है, इस तरीके से बनेगा अभी। तो इस तरीके से यहाँ पे इस वाले स्टॉल से आप पान खा सकते हो। और ये सामने इस में देखो ये एक और बड़ा काफ़ी बड़े स्पेस में फूड कोर्ट बना रखा है, जो कि यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है, गोलगप्पे, भल्ले पापड़ी, आलू की चाट, टिक्की, मटर कुलचा, राज कचौड़ी और पाव भाजी, इडली वगैरह, मतलब फास्ट फूड में होता है ना, वही सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है, कि मतलब सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे तरीके से यहाँ पे कर रखा है, सुकून से बैठ के खा सकते हो। और यहाँ पे सामने साइड में है फौजदार कुल्फी वाले, जो कि यहाँ से आप कुल्फी खा सकते हो, जो कि मेन्यू देख रहे हो, और ये सारे तरीके की आपको कुल्फी मिलने वाली है यहाँ पर। और नेक्स्ट इस तरीके से देखो एक और यहाँ पे फूड कोर्ट है, जो कि यहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है, जो कि फास्ट फूड में ही मतलब होता है, वो मैंने आपको दिखा दिया है, वही सब यहाँ से खा से पी सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पे सामने की साइड में देखो इस साइड में होने वाली है रामलीला, जो कि ये मतलब एक तरह से VIP एंट्री का गेट है। इसी के पास में देखो ये पब्लिक के लिए, ये है पब्लिक वाली सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब पब्लिक का सिटिंग अरेंजमेंट है। और सामने साइड में वो VVIP एंट्री है, और यहाँ से बैठ के आप सुकून से आराम से रामलीला देख सकते हो।